जी दोस्तों, आप इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि प्रोफेशनल प्ले ब्रेक का क्या है और हम इस लास्ट ट्रैप को किस तरीके से तकरीबन क्वार्टर बॉल पॉट इसमें क्वार्टर बॉल इसको कॉन्टैक्ट के ऊपर हम ब्रेक करेंगे, जो कि प्रोफेशनल और वेरी एडवांस वे है, जो कि आजकल हाईली रिकमेंडेड है और जो तमाम टॉप प्रोफेशनल्स इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारी लास्ट राइट विद राइट हैंड साइड में ऐसी पोजीशन आ गई है कि वो राइट जो निकला है उसमें जो हमारा उस सेकंड राइट में निकला था तो हम कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत एरिया था उसको पॉट करने का, एडवांस प्लेयर कर सकता है। अब वो स्नूकर्ड हो गया है, वो राइट जो उसमें से निकला है। दूसरा राइट जो वहाँ पर है वो कोई पॉटेबल नहीं है, दो है रस्ते में, बाकी ये सिर्फ ये दो राइट्स हैं जो इसको हिट कर रहे हैं और इट्स अ वेरी गुड सेफ्टी शॉट। और इसमें ये है चूँकि अब गेम प्रोफेशनल्स जो हैं वो अब गेम खेलते हैं वन चांस के, कि अगर उनको एक भी लॉन्ग पॉट मिल जाता है वो उसको ओपन पॉट करके आपको चांस ही देते हैं। 50-60-70 भी नॉक करते हैं, सेंचुरी हर बार नहीं लगती, लेकिन 60-70 भी नॉक कर लिया, इवन 30-40 भी नॉक कर लिया तो एक लीड आपके हाथ में आ जाती है। तो रिकमेंडेड जो है प्रोफेशनल लेवल पर वो अब लास्ट राइट के साथ ओपन करके देखते हैं, एक दफ़ा फिर इसी की ब्रेक दोबारा करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। प्रोफेशनल ब्रेक लास्ट राइट विद राइट हैंड साइड। जी, और ये आपने देखा कि दूसरी दफा भी मैंने ब्रेक की तो उसी तरीके से ये ग्रीन के पीछे ही आके फिनिश हुआ, वो बॉल भी स्नूकर्ड हो गया। इस बार बल्कि ज़्यादा अच्छी ब्रेक हो गई है क्योंकि बहुत ही टाइट भी आ गया, कुशन पे पेस ठीक थी, अगेन दूर रस्ते में है और सिर्फ ये एक जगह है जहाँ पर वो नॉक कर सकता है, लेकिन चांसेस हैं कि वहाँ से यहाँ इतना चूँकि कुशन में टाइट आ गया तो वो वहाँ से आते हुए हो सकता है इस साइड पर कैनन हो जाए या फिर इतना थिन लग जाए कि वाइट बॉल हिट करके दोबारा वापस चला जाए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो अब प्रोफेशनल्स जो ब्रेक करते हैं वो लास्ट राइट को नॉक करते हैं और राइट हैंड साइड के साथ वो आते हैं, अवॉइड करके मेक श्योर करते हैं कि उनका वाइट जो है, क्योंकि ग्रीन एरिया जब ये फर्स्ट करें एक बॉल बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा होता है। देखिए यहाँ से ग्रीन ने तकरीबन यहाँ तक कवर किया हुआ और यहाँ से तकरीबन यहाँ तक कवर किया हुआ, इतना बड़ा एरिया उसने कवर कर लिया। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा शायद आपको पॉइंट समझ आ जाए, तो कितना एरिया उसने कवर कर लिया एक कलर में, उसके पीछे अगर आ गया तो वो काफ़ी बड़ा मार्जिन आपको दे देता। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा आज की वीडियो के हवाले से समझ आई होगी कि किस तरीके से हम डिफरेंट ब्रेक्स कर सकते हैं डिफरेंट लेवल के ऊपर। ये डिपेंड करेगा कि आपका प्लेइंग लेवल क्या है। आपका अगर वो प्लेइंग लेवल बिगिनर है तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जो मैंने तीन पैटर्न्स आपको बताया विदाउट साइड उनके ऊपर करें, उनके ऊपर काम करें और उसी तरीके से अपनी ब्रेक करें, क्योंकि ब्रेक ऑफ शॉट बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है। पहली शॉट में आप फ्रेम भी हार सकते हैं, गलत शॉट लगने के बाद आपका सीधा इन ऑफ भी हो सकता है, या आपने इतना तेज खेल दिया गलत साइड के चक्कर में आपका ब्लू को कैनन हो गया, आप स्विंग नहीं कर सके, आपकी साइड इनफ नहीं थी जो पीछे ला सके, तो तब भी आपसे क्या गलती हुई कि आपका बॉल इधर उठ गया और आपने अपोनेंट को चांस दे दिया यहाँ कहीं भी और वो आपको पनिश कर सकता है इसके अगेंस्ट। तो जनाब ये आज की ब्रेक ऑफ शॉट्स के कुछ पैटर्न थे, मुझे काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे इसलिए मैं चाह रहा था इसकी दो तीन वीडियोस डिफरेंट पैटर्न में डिटेल में बना के आपको समझाऊं, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप ब्रेकिंग ऑफ शॉट करने लगें। तो सिंपल वे में मेन ऑब्जेक्टिव यही है ब्रेक ऑफ शॉट में कि अपोनेंट को प्रॉब्लम में डालना, थोड़ा सा एग्रेसिव सेफ्टी भी जो है एक बहुत ही अटैकिंग एफर्ट होती है। आपने अगर वो स्ट्रॉन्ग उसको सेव कर लिया है तो डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा, उसके बाद आपकी एबिलिटी है, आपकी स्किल्स हैं कि आप किस तरीके से उसको हराते हैं और कितने आप स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि स्नूकर इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, आपकी अपोनेंट के साथ लड़ाई नहीं होती, आपकी यू वर्सेज द गेम होता है, आपका गेम के साथ मुकाबला होता है, आपका बॉल्स के साथ मुकाबला होता है, तो वहाँ पर आप अपनी नर्व्स को कितना कंट्रोल में रखते हैं और आप किस तरीके से अपनी कितने बॉल स्पॉट करते हैं चांस मिलने के बाद, तो ये आपको आई होप एक वीडियो ब्रेक ऑफ शॉट के हवाले से काम देगी।
एंड मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें. जो मुझसे पर्सनलाइज ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं वो मुझसे रब्ता करें और मैं मुख्तलिफ डेज में मुख्तलिफ टाइम्स में कर सकता हूँ. समर कैंप को जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ टाइमिंग्स में वो भी मुझसे रब्ता कर रहे हैं और जो मजीद लोग करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं. उसके अलावा अगर मुझे अपने क्लब में इन्वाइट करना चाह रहे हैं जिस तरह की ऑलरेडी 2-3 क्लास में मैं विजिट कर चुका हूँ और कुछ और क्लास में भी विजिट करने वाला हूँ वेरी सून, आप भी बुलाना चाहें यू वेलकम. आप उसके अलावा अगर अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं स्नूकर के हवाले से, स्नूकर के टेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से या कोई इक्विपमेंट के हवाले से तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. उसमें भी हम आपको कंसल्टेंसी पूरी प्रोवाइड कर सकते हैं स्नूकर बेसिक्स स्नूकर बिजनेस के हवाले से. तो ये सारी चीज़ें आपको स्नूकर जिम पाकिस्तान जो कि एक प्रोफेशनल फैसिलिटी है पाकिस्तान की पहली ट्रेनिंग और प्रैक्टिस एंड टूर्नामेंट्स के हवाले से तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. शेयर करते रहें जनाब वीडियोस, अपने मैसेज भेजते रहें. इस ब्रेक और फ्रॉड के हवाले से जो कमेंट्स जो सवाल हों डेफिनेटली मुझे शेयर करें. आई वुड लव टू हेल्प यू आउट विद योर प्रॉब्लम्स जो कि मैं ऑलरेडी कर के रहा हूँ. मैं लाइव शो करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे यूट्यूब के ऊपर एक कार्ड होता है वो नहीं मिल पा रहा पाकिस्तान में अभी तक जो कि वो करे, वरना मैं रेगुलरली फिर आपके साथ लाइव इंटरेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह. तो टेक केयर जनाब, स्नूकर का माहौल साफ रखें, स्मोकिंग बिल्कुल मत करें एंड अपने अपोनेंट्स को ग्रीट करें हारने के बाद भी जीतने के बाद भी और एक दूसरे का ख्याल रखें और फ्रेंड्स बनाएं स्नूकर खेलते हुए. थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़.